हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट क्लब। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो मेरे चैनल का नाम फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट क्लब है और ये हम पहला वीडियो अपना बना रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा कंटेंट अगर आप पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पहला वीडियो जो हमारा लेग ब्रेक और चाइना मैन पे है उसे देखिए। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे अपील नहीं कर रहा हूँ, आप सेकेंड वीडियो में जुड़िए, देखिए मेरा। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़िए। और इसीलिए मैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर कमेंट आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो आप लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा सोशल मीडिया पे। आपका गेम भी इम्प्रूव होगा और मेरा नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। दिस इज फ्यूचर स्टार क्रिकेट क्लब और आज हम बात करेंगे हाउ टू बॉल लेग ब्रेक। लेग ब्रेक, लेग ब्रेक आते हैं दो तरीके। एक जो लेफ्ट आर्मर फेंकते हैं उसको चाइना मैन बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में, और एक राइट हैंडर फेंकते हैं जिसको राइट हम लेग स्पिन या लेग ब्रेक बोलते हैं। तो आज लेग स्पिन की पहली बेसिकली लेग स्पिन फेंकने के लिए पहली आती है ग्रिप। और हमारे साथ है अमर जो लेग ब्रेक चाइना मैन की। तो कोई भी बॉल डालने से पहले बॉल को ग्रिप कैसे करते हैं इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। पहला स्टेप होता है ग्रिप कैसे किया जाता है। तो हमारे साथ है अमर जिनकी उम्र 13 साल है, ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है। तो हम बात करेंगे ग्रिप की। अमर, ये क्रिकेट बॉल हो गई। ग्रिप के लिए पहली चीज क्या है, जैसे मीडियम प्रेशर देखिए कैसे पकड़ते हैं, इस तरीके से बॉल करते हैं, उसी चीज को आपको रोटेट कर देना है। ये ग्रिप इस प्रकार हो गई, जैसे लेफ्ट आर्म चाइना मैन के लिए ये बॉल हो गई क्रिकेट। मीडियम प्रेशर इस तरीके से पकड़ते हैं, आपको यही रोटेट कर देना है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है जैसे आपको ग्रिप करते समय पहले चीज दो तीन चीज बेसिकली ये ध्यान देना है। जैसे आप कुछ लोगों की फिंगर्स बड़े होते हैं तो उनके लिए सही ये है कि वो ये पाम है उससे दूर रखें बॉल। कोशिश करें जिनकी फिंगर बड़ी है, और कुछ लोग छोटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनके पाम से टच करें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेसिकली ग्रिप क्या है, दो ये फिंगर हो गया, अंगूठा कुछ लोग पास भी रखते हैं लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अंगूठा थोड़ा दूर रहे। अंगूठे का ज़्यादा रोल लेग स्पिन में नहीं है। तो अंगूठा अगर दूर रहेगा, जैसे शेन वॉर्न का है, इन लोगों का इनका अंगूठा बहुत दूर रहता था, तो अंगूठे से कोई मतलब नहीं। आपका मेन फिंगर ये है, ये स्पिनिंग फिंगर है, ये स्पिनिंग फिंगर है। तो लेग स्पिन या चाइना मैन फेंकने के लिए ये रिलीज करते वक्त आप इस फिंगर से रिलीज करेंगे, ये जो आपकी थर्ड फिंगर है इससे रिलीज करेंगे। और ग्रिप, ग्रिप में आप बॉल ना बहुत टाइट पकड़ें, अगर आप बहुत टाइट पकड़ना स्टार्ट कर देंगे तो बॉल आपकी छोटी गिरना स्टार्ट होगी, और बहुत ढीला मत छोड़े तो स्पिन भी नहीं हो पाएगी। और बेसिकली रेस्ट स्पिन में आपको, जैसे आप देखिए आप ब्रेक क्या है, आप ब्रेक फिंगर का यूज करते हैं। आप ब्रेक जब बॉल स्पिन कराते हैं तो अपने फिंगर से कराते हैं, और लेग ब्रेक ये रिस्ट है उससे रिलीज करते हैं। उन्होंने जो जितनी भी स्पिन डालते हैं वो रिस्ट से डालते हैं। तो आप अगर लेग स्पिनर हैं तो आप अपनी कलाइयों पे ज्यादा ध्यान दें, आपको फिंगर से बॉल नहीं छोड़ना है। तो पहला स्टेप ये है कि आप बॉल डालने से पहले बॉल को पकड़े, प्रॉपर तरीके से ग्रिप करें, और आप इस तरीके से बॉल को अपने हाथ में स्पिन कराना स्टार्ट करा दें। इस तरीके से आप जब स्पिन कराएं, कोशिश करें कि आप थर्ड फिंगर से छूटे। अगर आप बिगनर हो, आप लेफ्ट आर्म चाइना मैन या लेग स्पिन फेंकना चाहें तो आप बिगनर हो तो आप इस तरीके से बॉल रोटेट करें। जब भी आपकी आपके पास क्रिकेट बॉल हो तो आप इस तरीके से बॉल को रोटेट करें। ये हम लोगों का पहला वीडियो है। तो इसमें हम बेसिकली ग्रिप की बात करेंगे कि बॉल को ग्रिप कैसे करें और फेंकना स्टार्ट कैसे करें। तो आप